मेरा नाम सुनील। आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या यही है कि 11 अक्टूबर को रात में 12:15 बजे बिजनियागढ़ थाने से पुलिस आई, हम लोगों को उठा करके लेके चली। जिला आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक से चोरी की घटना को लेकर से लगाई न्याय की गुहार। आजमगढ़ चुन्नी उर्फ साजिदा बेगम पत्नी मो शून्य अख्तर उर्फ निवासी मोहल्ला गुलामी का पूरा टेरिया मस्जिद के पास अख्तर रशीद के मकान में किराए पर रहती है। 15 नवंबर को जेल छूटने के बाद अपने किराए के मकान पर गई और अपने कमरे को देखा, कमरे का ताला टूटा हुआ था और अलमारी का ताला तोड़कर लाखों का गहना व नकदी उठा ले गए। चोरी 11 अक्टूबर को हुई थी। मकान मालिक राशिद अख्तर ने पहाड़पुर कोतवाली में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार अलमारी का ताला तोड़कर सोने के दो हार, 14 अदद अंगूठी, 4 अदद लॉकेट, 1 अदद झुमका, चांदी की 4 अदद पायल तथा अटैची का ताला तोड़कर 3 लाख रुपए नकद चोरी हो गया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज का कराने की गुहार लगाई। संवाददाता दीपक भारती की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनील। आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या यही है कि 11 अक्टूबर को रात में 12:15 बजे बिजनियागढ़ थाने से पुलिस आई, हम लोगों को उठा करके लेके चली गई थाने में। फिर थाने से जो है कि हम लोग को लाई आजमगढ़ कोर्ट में उन लोग कुछ लिखा पढ़ी कराए, फिर आजमगढ़ कोर्ट से भैया उठा करके हम लोग को ले करके जेल कर दी। हमारी चाबी जो थी बिजनियागढ़ थाने की पुलिस जो है वो बंद करके अपने साथ में रखी हुई थी। फिर हम लोग जब 15 नवंबर में जब छूटे हैं तो हम क्या बोला था कि बिजनियागढ़ थाने में अपनी चाबी लेने गए तो क्या बोला जाता कि जब अपने मकान पे जहाँ रहते हैं गुलामी के पूरे में वहाँ पे क्या बोला जाता है कि ताला मेरा जो है कि टूटा हुआ था। और क्या बोला जाता, जैसे हम लोग अभी सीढ़ी पे एंट्री किए हैं वैसे ही हमारे मकान मालिक आए, पूछ रहे हैं कि भैया ये क्या हुआ, कैसे हुआ। हम कहे भैया ये मेरी बहन का लड़का था साकिर और राशिद उमर, इन लोग की गेम चलती है, इन्हीं लोगों ने जबरन हम लोगों को क्या बुलाया था कि केस करके फर्जी मुकदमे में जेल करवाया। मेरे घर की तारीख जो है कि 12-13 लाख की जेवर गहना था, 3 लाख रुपया कैश था, इन लोगों ने लूटा मिल करके भैया। अब मेरे मकान मालिक जा करके पहाड़पुर कोतवाली में जो है कि फैयार किए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कल हम लोग क्या बुलाया था कोतवाली चौकी में गए, वहाँ पे हम लोग को कोतवाल डांट करके भगा दिया कि जाइए आप लोग की कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं है। हम लोग वहाँ से चले आए, हम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं। एसपी साहब से आपकी क्या मांग है? मेरी एसपी साहब से ही मांग है कि वो क्या बोला जाता कि शकीरा रशीदा उमर जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, इन तीनों पे एफआईआर दर्ज की जाए। मुझको मेरी समस्या का हल मिलना चाहिए, मेरी 2 बच्चियां हैं, अब मैं किसके सामने जाऊंगी, इनको मैं किसके हवाले करूंगी। आजमगढ़ कोतवाल की भी जिम्मेदारी होगी, हम लोग की कहीं से सुनवाई नहीं है, प्लीज इन लोग को भैया हम किसके हवाले करेंगे। मुझको जो है कि जल्द से जल्द इस बात का फैसला एसपी साहब से मुझको। चोरी में क्या क्या हुआ? मेरी दो हार और क्या बोला जाता है 4 चैन, 14 क्या बोला जाता कि अंगूठी, 4 क्या बोला जाता कि चूड़ी करा था, और क्या बोला जाता कि पैर का पायल था। लेकिन हम लोग की एसपी साहब कहीं सुनवाई नहीं हुई। हम एसपी साहब से यही चाहते हैं कि मुकदमा किया जाए, क्या बोला जाता है कि जो घूम रहा है बाहर सांड की तरह से वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। मेरी बच्ची के साथ गलत करते हुए भी आज वो एकदम आराम से घूम रहा है, हम लोग को फर्जी डाल करके हम लोग जेल 1 महीना 3 दिन जेल खटके आए। मेरी पूरी पलुआ, यहाँ तक कि मेरा बेटा, मेरी 2 बेटियां, मैं, मेरे शौहर यहाँ पे नहीं रहते थे, उनको भी जबरन फंसाया गया। मैं कानून से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मेरे लिए इंसाफ किया जाए, मेरे बच्चियों के साथ इंसाफ किया जाए।